Good evening, everyone. Am I clearly audible? Right. चलिए, do we have any doubt from yesterday? बेटा ओमकार कल आए नहीं, कल वेटलैंड करा दिया हमने. रिकॉर्डिंग यू सॉ, ठीक है. रिकॉर्डिंग में बोला भी था कि ओमकार आपको मिस कर रहे हैं, है ना? ठीक है, चलिए. डू वी हैव एनी अदर डाउट, बताइए. Yes or no? No? Very good. So let us proceed. For sir, microplastic की तो वो limit कितने थी sir? Limit sir, microplastic की as in कोई specified limit नहीं है. US और EU लेते हैं 5 millimeter, ठीक है. उससे जो छोटा होगा वो that is considered as microplastic. लेकिन जो study हुई थी blood में microplastic ढूंढने के लिए as per that study 0.7 micrometer was taken as the limit. 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है. और कोई डाउट? संडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है. संडे को प्रीलिम्स का टेस्ट है, दैट इज ओपन फॉर ऑल. ओके, इफ योर फ्रेंड्स वांट दे कैन आल्सो गिव, इट विल बी शेयर्ड. आप सब टेलीग्राम चैनल पे हैं, जुड़े हुए हैं एडुब्रिज के, ठीक है. सो इट विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम. हाँ, ऑल द टेस्ट विल बी फुल टेस्ट. फुल टेस्ट ही रहेंगे. अब बेटा सेक्शनल टेस्ट का क्या मतलब, ठीक है. सेक्शनल जो है आप बताओ, साथ साथ में हर सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, भर भर के. विद एवरी टेस्ट, विद एवरी सब्जेक्ट क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है. तो आप फुल टेस्ट देख लेते हैं, उससे अगर आपको लगेगा कि ऑप्शन, क्यों हमारे पास तो देखो बेसिक का तो डेटा हमारे पास भर भर के. क्वेश्चन बैंक आप बोलो, रोज के 100 क्वेश्चन दे दो, हम वो भी दे देंगे, ठीक है. क्वेश्चन की कोई कमी नहीं, क्लियर. तो अगर आप बोलोगे रोज 100 क्वेश्चन दे दो, वो भी दे देंगे. रोज के 10 क्वेश्चन तो क्विज में एडुब्रिज में शेयर ही होते हैं, तो हमारे पास रोज के 10 क्वेश्चन तो है ही. तो क्वेश्चन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जो फुल टेस्ट आपको बेनिफिट देगा वो सेक्शनल टेस्ट आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है. फुल टेस्ट देगा वो सेक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि सेक्शन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपनी जो है तैयारी क्वेश्चन करने लग जाएंगे. दिक्कत ही होती है, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर प्रिपरेशन, क्लियर. तो फुल टेस्ट हम लोग करेंगे, चलिए. सो लेट अस प्रोसीड विद एनवायरमेंट. कहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था? Amazon has started producing carbon. यही दिक्कत अब काजीरंगा में भी आ रही है. The Kaziranga National Park, it is releasing more carbon than it is absorbing. ठीक है, अब इसके reasons क्या है ये हमें जानना है. द रीजन ऑफ दिस इज, फर्स्ट द यूनिक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काजीरंगा. जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसका जो सॉइल है, इट हैज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल इट ब्रीथ्स. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. दूसरा, बिकॉज ऑफ द क्लाउड कवर ओवर द काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर फोटोसिंथेसिस कम होता है. ठीक है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो ऑक्सीजन तो कम रिलीज होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कम कंज्यूम होगी. ठीक है, तीसरा रीजन है कि जो रेनफॉल होती थी ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, वो भी कम है. तो जब ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, उसकी वजह से जो कार्बन एब्जॉर्प्शन होता था वो भी कम हो गया है. That transpiration used to absorb the carbon from that plant species, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है. तो इसकी वजह से the Kaziranga National Park is releasing carbon dioxide then absorbing. ठीक है, तो question आ सकता है, which national park or which region has become a net carbon producer? Okay,
तो इंडिया में इट इज काजीरंगा, वर्ल्ड में कौन सा है? अमेजॉन, आपकी अपनी दुकान अमेजॉन। ओके, याद रखिएगा ठीक है कि कार्बन कहां से ला रहे हो? अपनी दुकान अमेजॉन से। ओके गुड। अब काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, कहां पर है ये जान लो बस आप, बाकी तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। इट इज अ नेशनल पार्क दैट इज लोकेटेड इन असम। दूसरा, इट इज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, लॉर्ड कर्जन की जो वाइफ थी उन्होंने बनाया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है, और असम में है। किसके लिए फेमस है काजीरंगा? वन हॉर्न रेनोसरस। ओके, काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न रेनोसरस। क्लियर। अब उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है देवड़ीगढ़। देवड़ीगढ़ नेशनल पार्क इज इन उड़ीसा, पहले ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इट इज अ नेशनल पार्क, क्वेश्चन आ सकता है विच फ्रॉम विच नेशनल पार्क और द विलेजेस, द फैमिलीज ऑफ द विलेजेस, रिमोट विलेजेस हैव बीन रिलोकेटेड। ओके, तो देवड़ीगढ़ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इट इज इन उड़ीसा, वहां पर 420 फैमिलीज फ्रॉम द वेरियस विलेजेस, फोर विलेजेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो रिमोट एरियाज, तो उनको रिलोकेट करके ऐसे एरियाज में भेजा गया है वेयर दे कैन हैव एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज। ठीक है, तो दैट वॉज डन फ्रॉम देवड़ीगढ़। देवड़ीगढ़ ये कहाँ है? इट इज लोकेटेड ऑन द क्लोजर टू द महानदी रिवर, जहां पर हीराकुड डैम है। ठीक है, सो हीराकुड डैम इज ऑन महानदी रिवर और ये महानदी रिवर के पास है। क्लियर। अब डीपर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डीपर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बहुत था क्योंकि यहां पर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है फॉर हैविंग एन इको सेंसिटिव जोन। डीपर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज हैविंग एन इको सेंसिटिव जोन। अब क्वेश्चन ये है कहां पर है डीपर व्हील? डीपर व्हील इज इन असम। इको सेंसिटिव जोन क्या है? डिक्लेयर किए कि कोई भी नया, पुराने जो है फंक्शनल वो रहेंगे, कोई भी नया होटल और या रिजॉर्ट इस एरिया में अब नहीं बनेगा। किस एरिया में? द एरिया विच इज एज द पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया और दैट इज द पार्ट ऑफ द इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पर प्रोहिबिट हो गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ब्रिक किलिंग, कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड एंड डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन कहाँ डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ने? नया डीपर व्हील में। ठीक है, पहला इसमें रिजॉर्ट और होटल्स नहीं बनेंगे, नए पुराने तो हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है दैट द मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर टू स्टॉप ऑल द होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ऐसा नहीं है, नए नहीं बनेंगे, पुराने बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कमर्शियल एक्टिविटीज, बिकिंस, ये सब नहीं अलाउड होंगे। ठीक है, अब डीपर व्हील आसाम में है, इट इज हैविंग अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इट इज हैविंग अ फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया। अब एक बात बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, वेयर इज इको सेंसिटिव जोन मेंशन? इको सेंसिटिव जोन मेंशन कहां है? ऑप्शन वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन थ्री बोथ, ऑप्शन डी नन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन्स मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, मेंशन्ड नहीं है, दे आर जस्ट द जोन्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ना ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इको सेंसिटिव जोन क्या है? कुछ जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है उनके ट्रांजिशन एरियाज को सेव करने के लिए सम जोन्स आर मेड, दैट इज कॉल्ड एज इको सेंसिटिव जोन्स। ओके, तो ये बहुत सारी जो हमने देखे हैं वेट, जितने इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स है ना रामसर वाली, वो ये है। तो मैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कल हमने कर ही लिया था। ठीक है, नाउ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF में बारनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ टाइगर्स को ढूंढा है, मतलब मिले हैं। ठीक है, तो बारनाडी, बस क्वेश्चन आप ये याद रखिए कहां पर है, इट इज इन असम। ओके, बारनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन असम एंड ये फेमस है फॉर पिग्मी हॉग एंड हिस्पिड हेयर। ओके, पिग्मी हॉग एंड हिस्पिड हेयर के लिए फेमस है। इसकी लोकेशन देख लीजिए तो ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, दिस इज बारनाडी, इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द भूटान, इंडिया भूटान बॉर्डर।
ओके, इंडिया भूटान बॉर्डर पे लोकेटेड है पारनारी। अब देहिंग पटकाई ने रेमुना नेशनल पार्क, सो असम ने दो नेशनल पार्क और मिल गए असम को। पहला है रेमुना नेशनल पार्क, ओके, दैट इज लोकेटेड विद इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, इट इज क्लोजर टू द मानस नेशनल पार्क, ओके, एंड द रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। एंड दूसरा जो है सेवेंथ नेशनल पार्क इन असम इज देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ओके, इट इज लोकेटेड नियर टू द दिग्बई रिफाइनरी, इट इज नोन एज द जयपुर रेन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नोन एज द जयपुर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, स्टेट सर्विसेज में आ चुका है क्वेश्चन। तो जयपुर रेन फॉरेस्ट कहाँ है बेटा, जयपुर में, ओके, कि जयपुर, किसी अंग्रेज ने जयपुर को ऐसे बोला होगा तो इसलिए स्पेलिंग लिख दी। तो इट इज इन असम देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ओके, इसमें देहिंग का मतलब क्या है, इट इज द नेम ऑफ द रिवर एंड पटकाई इज द हिल, ओके, और ये ओनली सेंचुरी इंडिया है जहां पे आपको 7 टाइप की कैट की स्पीशी मिलती है, ठीक है, 7 टाइप की कैट्स की स्पीशी मिलती है, कौन कौन सी, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट, ओके, तो जिसको भी आपको क्वेश्चन लगता है, ठीक है, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, जंगली बिल्लियों की बात नहीं हो रही है, इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दी देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इट हैज दी 7 वेराइटीज ऑफ दी डिफरेंट स्पीशीज, सबके चेहरे पर मुस्कान से आ गई, सब डॉन अपने आप को समझ रहे थे, डॉन में था ना डायलॉग, है ना, डॉन में था, समझ गए, देहिंग पटकाई जयपुर रेन फॉरेस्ट, इट इज हैविंग द 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट, इंडिया में इकलौता यही है, एंड इट इज लोकेटेड इन असम, देहिंग का मतलब रिवर, पटकाई का मतलब हिल, ये भी आ सकता है, देहिंग मतलब हिल, पटकाई मतलब रिवर, फॉल्स, देहिंग रिवर, पटकाई हिल, ओके, याद रखना, हिल से ऐसे पटक के नीचे आ जाते हो तो हिल हो गया, ठीक है, गोल 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 घूम के, याद करना, ओके, ऐसे कुछ अपना दिमाग में इमेजिनेशन बना लेना, क्योंकि लग रहा ही आ सकता है, ओके, जो रेमोना है वहां पर रिवर है पेक्वा रिवर, इनकी लोकेशन हम एक सब एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो ये तो आ गया आपका देहिंग पटकाई, इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ असम एंड रेमोना इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ असम, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, जयपुर रेन फॉरेस्ट, पता नहीं बहुत जोर से लग रहा है आएगा, जयपुर रेन फॉरेस्ट, ओके, चलिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ने लोगों ने बोला इस साल आग नहीं लगने देंगे, ठीक है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बोला इस साल आग नहीं लगने देंगे, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है सिमलीपाल टाइगर, ओ सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व से। अब सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इट, इट इज इन उड़ीसा, ओके, सिमलीपाल वर्ड कहां से आया, इट इज कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द ट्री रेड सिल्क कॉटन ट्री, जो सिमुल ट्री मिलते हैं वहां पर, ओके, सिमुल ट्री, क्यों क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा पुष्पा मूवी देखी है, पुष्पा नहीं देखी, देखी है, वेरी गुड, चलो अब पूछते हैं किस चीज की देवर डूइंग दी स्मगलिंग, लाल चंदन, बेटा पेपर में लाल चंदन नहीं लिखा है ना, लाल चंदन लिखा है, रेड सैंडलवुड, बेटा रेड सैंडल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वेरी गुड, अब आप क्वेश्चन पूछते हैं कौन से प्रोटेक्टेड एरिया से वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे, ये तो हमें नहीं पता, हमने बस ऐसे ऐसे करना आता है ना, अब यूपीएससी की तैयारी करो सब कुछ देखना पड़ता है, अच्छा कौन से रीजन में था, ज्योग्राफिकल रीजन बताओ कहाँ के थे, बताओ तो, ऐसे ही आते यूपीएससी में क्वेश्चन, डब्ल्यू जी नहीं बेटा, डब्ल्यू जी की नहीं थी, डब्ल्यू जी की नहीं थी, उधर डब्ल्यू जी है ही नहीं, वेस्टर्न घाट है ही नहीं उधर, आंध्र प्रदेश में एक बात, आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट्स आ कैसे गए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तेलुगु मूवी है, कहां से वेस्टर्न घाट्स आ जाएगी,
है बताओ। आप एक तो देखो, आप समझे कहां से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पुष्पा बहुत न्यूज में थी। अच्छा, इंडिया में गोल्ड कहाँ पाया जाता है बेटा, वो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर टू है ना, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स के ऊपर मूवी है, तो वेयर गोल्ड कैन बी फाउंड, ये भी आ सकता है, इंडिया में कहाँ का गोल्ड है। ठीक है, इसका बताओ, वो शीशाचलम नेशनल पार्क में था, तो शीशाचलम नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या शीशाचलम नेशनल पार्क में है कि नहीं है। रेड सेंडर्स तो है, हमने देखा है ना, देखा है रेड सेंडर्स की क्वालिटीज पे आ सकता है, क्योंकि आ चुका है पहले, व्हेन वीरप्पन वाज एनकाउंटर्ड ना, जब वीरप्पन को एनकाउंटर किया था तो उस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द रेड सेंडर। ओके, रेड सेंडर्स जिसको बोलते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि शीशा चलम है। ठीक है, शीशा चलम पहले तो आंध्र प्रदेश में था, देखते हैं अब तेलंगाना तो नहीं चला गया है, हमारे हिसाब से आंध्र प्रदेश में ही होना चाहिए शीशा चलम फॉरेस्ट। हाँ, आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, नाउ ये यहां पर कौन सी ट्रेन है, सेम्बल ट्री है, ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर था 1994 में, इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मयूरभंज रीजन, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, एंड जो सिमलीपाल है इट हैज टू इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज, फर्स्ट इज एरंगा खडियास। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एरंगा खडियास एंड मनकडियास आर फ्रॉम वेयर, सो एरंगा खडियास एंड मनकडियास आर फ्रॉम सिमलीपाल। ओके, देन ओरांग नेशनल पार्क है, कहाँ है ओरांग नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, वेयर इज ओरांग नेशनल पार्क। सोनितपुर बेटा, औरंग इज इन आसाम। ठीक है, क्यों है कि ये वहां पर इसका साइज बढ़ाने की बात हो रही है, दे वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ औरंग नेशनल पार्क, क्यों, बिकॉज दे वांटेड टू कंजर्व घड़ियाल्स। ओके, सो औरंग नेशनल पार्क में ये घड़ियाल्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो यस औरंग नेशनल पार्क में देर आर घड़ियाल्स। देन भीतरकनिका नेशनल पार्क, बेटा भीतरकनिका नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दे हैव आइडेंटिफाइड That they are having or there may be certain problems in the Bhitarkanika National Park of Odisha due to the diversion of Brahmani River system or Brahmani River basin. So that is why it is important. ये कहाँ located? केंद्रपाड़ा district of Odisha में है। ये basically it is famous for salt water crocodile. ठीक है? Question आ चुका है कि salt water crocodile कहाँ है?
ठीक है। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास जो रिवर है दैट इज कॉल्ड द रिवर ब्रह्मणी, तो उसको आप भी देख लीजिएगा रिवर ब्रह्मणी कहां से फ्लो करता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाता है रिवर कौन सा रिवर कहां है क्या है, तो रिवर ब्रह्मणी है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर। ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो महानदी रिवर की जो आपकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है दे आर दी ब्रह्मणी रिवर, एंड ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है देवी रिवर। मैप से क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसी के पास देख लीजिएगा गहिर माथा रीजन है। ये गहिर माथा क्या है, गहिर माथा किस लिए फेमस है बच्चों, ऑलिवर रिडली की मास नेस्टिंग। वेरी गुड, ऑलिव रिडली जो टर्टल है उनकी मास नेस्टिंग होती है गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, देन देयर इज कावल टाइगर रिजर्व। कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है जिसने एक बर्ड वॉक ऑर्गेनाइज करी थी, बस इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज तेलंगाना जिसने बर्ड वॉक ऑर्गेनाइज करी थी। पुलिकट लेक, ये इट इज अ लेक फॉर द माइग्रेटरी स्पीशीज, बहुत न्यूज में आता है। आपके लिए दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। दिस पुलिकट लेक इट इज बिटवीन टू स्टेट्स, इट इज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड, दूसरा स्टेट कौन सा है, पुलिकट इज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेरी गुड, इट इज फेमस फॉर द इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा। ओके, इट इज वेरी फेमस फॉर द श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। एंड पुलिकट लेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है। पुलिकट लेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, ये रामसर लिस्ट में नहीं है। नाउ एक चाइना के पास, चाइना अरुणाचल के बॉर्डर पर, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर एक थोड़े टाइम पहले अर्थक्वेक आया था जिससे से लैंडस्लाइड हुई थी। बिकॉज ऑफ दैट लैंडस्लाइड बहुत सारी जो मड है वो लैंडस्लाइड की वजह से इट वेंट इनटू द कमेंग रिवर, एंड जहां पर क्या हुआ, फिश की मास डेथ हुई। ठीक है, तो हमें इसलिए जानना है कमेंग रिवर इज इन अरुणाचल प्रदेश, वहां पर क्या हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। दूसरा बिकॉज ऑफ दी हाई टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बढ़ गई थी बिकॉज चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, तो वहां पर टर्बिडिटी बढ़ गई थी जिसकी वजह से बायोलॉजिकल और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन दो थी, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है डीओ होती है, दैट वॉज अवेलेबल लेस इन दी रिवर, तो इसीलिए उसे दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये मैप है कमिंग रिवर है। ठीक है, कमिंग रिवर, ठीक है, इट इज क्लोज टू तवांग, तवांग रिवर इज क्लोज टू तवांग। देन पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक करी थी, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए भी न्यूज में था। अब पक्के टाइगर रिजर्व क्या कहते हैं, इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पखुई टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि कुछ लोग पखुई याद रखते हैं, कुछ लोग पक्के याद रखते हैं। ठीक है, तो इट इज पखुई और पक्के टाइगर रिजर्व, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन यही आया था, वेयर इज पखुई टाइगर रिजर्व, यही क्वेश्चन आया था, बस सिंपल। तो पखुई टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज एन इंडिया, इट हैज रिसीव इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड फॉर द हॉर्नबिल नेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर हॉर्नबिल पाई जाती है, विच इज वेरी फेमस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेरी फेमस बर्ड। ये जो रिवर है इट हैज और इट इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो इट इज द पार्ट ऑफ द हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, पखुई और पक्के अरुणाचल प्रदेश, इट हैज रिसीव्ड अवार्ड फॉर द नेस्टिंग ऑफ हॉर्नबिल, क्लियर, एंड इट इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ में अपना फोर्थ टाइगर रिजर्व मिल गया,
फोर टाइगर रिजर्व क्या है, दो एरिया को कंबाइन करके बना है, पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड टमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को बनाकर एक टाइगर रिजर्व बन रहा है। Yesterday itself we had discussed टाइगर रिजर्व कैसे बनता है, ठीक है, ये दोनों को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनेगा। ओके नाउ एक चीज समझिए, टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए अथॉरिटी कौन सी है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एनवायरमेंट मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है that prime minister is the chairman of NTCA, true or false? तो false होता है, environment minister is the chairman. इनका क्या काम होता है, central assistance देना state को for the project tiger, हर चार साल में assessment of the status of tiger and supporting state for raising and deploying special tiger protection force, ये इनका काम होता है, ठीक है। NTCA सबसे जरूरी चीज आपको दो याद रखनी है, it is a statutory body under wildlife protection act 1972 and the environment minister is the चेयरमैन ऑफ NTCA। ओके नाउ लेमरू टाइगर रिजर्व एक छत्तीसगढ़ में वो सॉरी एलिफेंट रिजर्व, छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व था, ये बना 2007 में, पहले बनाया इसका साइज ये, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया पिंक जो कलर है 450 किलोमीटर स्क्वायर का, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं इसको हम बढ़ाएंगे, इसको 1995 किलोमीटर स्क्वायर का करेंगे, लेकिन अब दोबारा इन्होंने इसको छोटा कर, ठीक है, दोबारा इन्होंने छोटा कर दिया। बड़ा कौन सा एरिया हुआ था, कौन सा वाला रिजर्व बड़ा हुआ था, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, अभी अभी देखा था ना कुछ, किसी उसका एरिया बढ़ाया जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ घड़ियाल, किसकी प्रोटेक्शन घड़ियाल के लिए हो रहा था, भूल गए, इसीलिए कह रहे कितना इतना ही पढ़ लो इतना ही याद रह जाए वही हमारे लिए बहुत है। औरांग नेशनल पार्क का एरिया बढ़ाया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल इज इन असम, ओके, एंड लेमूर एलिफेंट रिजर्व का एरिया कम कर दिया जाएगा, व्हाई, because ये जो है because of this there has been increase in animal human conflict, ठीक है, ये कहां पर, it is in छत्तीसगढ़। एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, elephant reserves they are not recognized under the wildlife protection act, elephant reserves are not recognized under the wildlife protection act, okay। And this is lying in the region that is Hasdeo Aranya Forest. Coal deposits हैं, बहुत famous हैं वहाँ के। Because of its diversity. ठीक है, चले आगे, चलिए अब लुक्खा रिवर है, ठीक है, लुक्खा रिवर है कहां पर है, पहले तो स्टेट बताइए, लुक्खा रिवर इज वेयर, क्वेश्चन ये आएगा पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक्खा रिवर कहां है, मेघालय में है, ठीक है, लुक्खा रिवर इज इन मेघालय। नाउ मेघालय गवर्नमेंट ने लुक्खा रिवर को रिकन और कंजर्व किया है, दिस लुक्खा रिवर हैज बीन रिकंजर्व, देखिए पहले ऐसा दिखता था और अभी ऐसा दिखता है, ठीक है, सो दिस रिवर इज रिकंजर्व, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मेघालय में तो बेटा कहाँ है, मेघालय में, मेघालय में तो बहुत सारी जगह है ना, तो मेघालय का जो, अच्छा तो मैप में दिख ही रहा है, लुक्खा रिवर,
इट इज इन द जंतिया हिल्स. ओके, लुखा रिवर इज इन द जंतिया हिल्स. अच्छा, अब क्वेश्चन एक और आता है, हाउ डिड दे कंजर्व इट, कंजर्वेशन कैसे किया, क्या तरीका अपनाया? तो दे यूज फाइटो रेमिडिएशन. ओके, फाइटो रेमिडिएशन इट मींस कंजर्विंग द रिवर यूजिंग द प्लांट स्पीशीज. उन्होंने क्या यूज किया? दे यूज एल्गे टू इंश्योर दैट द रिवर इज कंजर्व. ओके, इसमें ये तीन चार चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, लुखा रिवर इज इन मेघालय, इट हैज बीन रिकंजर्व्ड, इट इज लोकेटेड इन द जंतिया हिल्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेटा कहाँ है ये बता दो. असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर इज इट? ऑप्शन दे, ऑप्शन देते हैं. इट इज इन लखीमपुर खीरी. ओके, इट इज इन गुरदासपुर पंजाब, इट इज इन दिल्ली, फोर्थ इट इज इन none of these. हाँ, दिल्ली, वेरी गुड. सो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन दिल्ली. ये पड़ता है दिल्ली, जो भी अरावली रीजन है, दिल्ली फरीदाबाद गुरुग्राम वाला जो रीजन है वहां पर ये पड़ता है. एंड यहाँ पर लेपर्ड मिला है. ठीक है, लेपर्ड मिला है तो इसीलिए ये न्यूज. ओके, अब ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें लेपर्ड का कंजर्वेशन में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी एसोसिएटेड इन दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेपर्ड. इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी एसोसिएटेड है. अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यूपीएससी पूछ चुके हैं दो बार. क्या है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी? इट इज एन एनजीओ, इट इज एन एनजीओ दैट वॉज फाउंडेड इन 1883. ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया में आर्म. इट मींस वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इज कोलैबोरेटिंग विद बॉम्बे हिस्ट्री और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. इनका काम क्या है? दे आर दी डेजिग्नेटेड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस. इट ऑर्गेनाइज कंडक्ट नेचर ट्रेल्स, कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक. ये जो लास्ट पॉइंट है यूपीएससी क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट पॉइंट यूपीएससी क्वेश्चन था, इनमें से क्या क्या करते हैं. ठीक है, इट स्ट्राइव टू कन, पहला इट इज एन आर्म, डेजिग्नेटेड आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस. एंड थर्ड, इट ऑर्गेनाइजेस कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स, कैंप्स फॉर जनरल. ओके, आर यू क्लियर? यस और नो? अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कुछ हाथियों ने उत्पात मच दिया, लिटरली यही हुआ. ठीक है, दे डैमेज द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स, तो उसको हाथी को उत्पात मचाना. ठीक है, तो पीलीभीत कहाँ है? इट इज इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. ओके, लखीमपुर खीरी एंड बैरेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो इतना पता होना चाहिए. ये टाइगर कहाँ से कहाँ गए? फ्रॉम शुक्ल पंत नेशनल पार्क टू द पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंच गए. ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज मेड एज अ डेडिकेटेड साइट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट इज इन बिहार. ओके, इट इज इन बिहार. एंड दिस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो कंजर्विंग द वल्चर्स, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए वल्चर कंजर्वेशन कहाँ हो रहा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. ठीक है, वेरी गुड. राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व में द कोर्ट हैज क्वेश्चन कि आप कैसे बफर जोन में रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ठीक है,
आप बस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे आप बफर जोन में रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व में दो एरिया होते हैं, कोर एरिया या क्रिटिकल एरिया एंड एक बफर एरिया। कोर एरिया इज टोटली प्रोटेक्टेड एरिया, बफर एरिया में थोड़ा बहुत जो कंजर्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो कोर और बफर एरिया कंसेप्ट है, इट वॉज नॉट इन द ओरिजिनल एक्ट बट इट वॉज एडेड थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन द 2006, ठीक है। अब राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजा जी टाइगर रिजर्व इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। इट इज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एज वेल एज एलिफेंट। राजा जी टाइगर रिजर्व में कम्युनिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज द वन गुज्जर्स। दीज आर द नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, वन गुज्जर्स। नाउ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा कोर्ट ने कि भैया यहाँ जो है ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, दीवारें बनाई जा रही हैं, ठीक है, क्या चल रहा है, तो इसीलिए जो है कॉर्बेट भी न्यूज में था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। दूसरी चीज, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज हेली नेशनल पार्क, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है अंडर द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और कौन सा रिवर यहाँ से फ्लो करता है? रामगंगा रिवर, ओके, रामगंगा रिवर। इट इज अ यूपीएससी क्वेश्चन कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से या टाइगर रिजर्व से कौन सा रिवर फ्लो करता है? इट इज रामगंगा, ओके, वेरी गुड। अब तिलारी रिजर्व में एक ब्लैक कोबरा पाया, ठीक है, तिलारी रिजर्व में एक ब्लैक कोबरा पाया गया। अब बेटा ब्लैक कोबरा क्या है, ये सबको पता है कि एक विनम्रस स्नेक है ना, ये तो आप सबने पिक्चर में देखा ही होगा, ये आंखों में फोटो खींच लेता है ना, फिर बदला लेता है ना, पानी पे भी भाग लेता है, फिर ये जब इंसान बन जाता है तो देखी होगी जानी दुश्मन होगी, है ना, तो वही है ब्लैक कोबरा, ठीक है। तो इट हैज बीन साइटेड फ्रॉम द तिलारी रिजर्व। वेयर इज तिलारी रिजर्व? इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, इट इज इन महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किंग कोबरा वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ दी वेनमरस एंड सबसे लंबा स्नेक पाया जाता है। ये एक लौता ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है अपने एग्स ले करने के लिए, एंड इन द IUCN इट इज वल्नरेबल। इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज अंडर द शेड्यूल 2, ठीक है, इट इज अंडर द शेड्यूल 2 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। नाउ नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, वहां पर ये वाला लेपर्ड मिला, ठीक है, मेलनिस्टिक लेपर्ड या ब्लैक पैंथर, ठीक है, पहली बार ये साइट हुआ है, दिस इज बहुत रेयर ऑकेजन रहता है। सो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ साइट हुआ है ब्लैक लेपर्ड? नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ओके। ये जो टाइगर रिजर्व है ये बहुत जगहों से कनेक्टेड है, कहाँ है? कान्हा और पेच मध्य प्रदेश के, काना और पेच मध्य प्रदेश, टडोबा अंधारी महाराष्ट्र, इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़, कावल और नागरगुंज सागर एंड अचामनक अमरकंटक छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये इट इज कनेक्टेड विद वेरियस रीजन, नवेगांव नगजीरा नेशनल पार्क, ये रहा, ठीक है। ये ब्लैक लेपर्ड है, ब्लैक लेपर्ड जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ब्लैक लेपर्ड कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। IUCN में वल्नरेबल है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। याद कुछ नहीं रहेगा, बस क्या याद रखना है? नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व और मेलिनिस्टिक पैंथर। अगर क्वेश्चन आता है मेलिनिस्टिक पैंथर इज द पैंथर ऑफ ब्लैक कलर और ब्लैक पैंथर, ठीक है, तो यही, ठीक है। क्या अगर नहीं, हमने तो देखा बगीरा तो और ज्यादा काला था बेटा, ये इंडियन है, इंडियंस वी आर ब्राउन, हम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, ठीक है, वो अंग्रेजी है, अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाइए, हम लोग इंडियन से, हम लोग ब्राउन है ना, तो हमारे पैंथर्स भी तो जो है टोटली वैसे नहीं होंगे जैसे वेस्ट में है ना, तो बस ये समझिए। ब्लैक पैंथर क्योंकि आप मानोगे नहीं कि ब्लैक पैंथर, कि नहीं बगीरा है ही नहीं है, तो बगीरा ब्लैक पैंथर तो बगीरा ही था ना, है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ब्लैक पैंथर मानेंगे।
मेलेनिस्टिक लेपर्ड या ब्लैक पैंथर। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो नोट्स में कहीं लिख लो, ये आने के चांसेस मतलब बहुत जोर से है। पहला वर्ल्ड का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज कनेक्टेड विद फाइव कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, इट इज नेम्ड आफ्टर थ्री रिवर्स, म्यूरा, ड्रावा, डेन्यूबे और डेन्यूब, ठीक है, क्या डेन्यूबे बोल रहे, डेन्यूब, मूरा, द्रावा, मूरा, द्रावा, डेन्यूब। रिवर्स रीजन पे पांच कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व पहला वर्ल्ड का ऐसा है। ओके, डिक्लेयर किसने किया है? यूनेस्को ने। ओके, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। ये जो रीजन है इसको बोला जाता है अमेजोन ऑफ यूरोप। ओके, दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज द अमेजोन ऑफ यूरोप बिकॉज इट इज वेरी प्रोडक्टिव, इट इज वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अगर हम लोकेशन देखें, मूरा, द्रावा, डेन्यूब। कंट्रीज ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड, अच्छी होगी ना, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया, ये पांच कंट्रीज। ओके, आर यू क्लियर? तो पोचिंग हुई है, पोचिंग कहां से होती है बेटा? राइनोसेरोस की, जहां मिलेंगे वहीं से होगी, सीधी बात है। कहां मिलते हैं? काजीरंगा में मिलते हैं। काजीरंगा कहां है? असम में, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत सारे टाइप के राइनो होते हैं, याद रहेगा तो देख लेना कौन कौन से टाइप के होते हैं। व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमत्रन राइनो। याद ध्यान रखिएगा, जावन राइनो इज हैविंग टू हॉर्न्स, ओके, टू हॉर्न रहते हैं, एंड इंडिया में बस ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जो जावन, सुमित्रा और ब्लैक राइनो, ठीक है, जावन, इसके एक मिनट को चेक करना पड़ेगा, दो हॉर्न जावन के तो वन है, एक बार दोबारा देख के समझ में यार, दो किसके हैं? एक के दो है किसी एक के, इट इज ऑल्सो वन हॉर्न, ब्लैक राइनो है ना, ये दो हॉर्न है, ब्लैक राइनो हैज टू हॉर्न्स, ओके, नॉट जावन, ब्लैक राइनो हैज टू हॉर्न्स। अब ध्यान रखिएगा, जावन, ब्लैक एंड सुमत्रन राइनो, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। जो व्हाइट राइनो है, इट इज नियर थ्रेटन्ड, एंड इंडिया का जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो, इट इज वल्नरेबल। रीजंस क्या है इनके, थ्रेट क्या है? पोचिंग है, हॉर्न्स के लिए पोचिंग होती है, हैबिटेट लॉस है, पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब क्रोकोडाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहां तीनों वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में वेयर ऑल थ्री वेराइटीज ऑफ क्रोकोडाइल्स आर फाउंड? थ्री वेराइटी क्रोकोडाइल क्या? घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अब केंद्रापाड़ा हमने थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ा था, है ना, कहाँ है ये? भीतरकनिका, जो रीजन है भीतरकनिका नेशनल पार्क, वही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे तीनों टाइप के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर अंडर द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे आर शेड्यूल वन ऑफ साइट्स। देखो, तीन टाइप के क्रोकोडाइल है, पढ़ लेना क्रोकोडाइल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी आपको पढ़ना घड़ियाल के बारे में, घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अब घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन था भीतरकनिका, चंबल, कहाँ पाए जाएंगे दोनों से, कि आपको बहुत और आसानी से कहाँ दिख सकते हैं घड़ियाल। दिस वाज द यूपीएससी क्वेश्चन। भीतरकनिका नहीं बेटा, चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, तभी तो क्वेश्चन पूछा। भीतर करने का मिलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, उन्होंने ये नहीं पूछा था कहाँ मिलते हैं, उन्होंने पूछा कहाँ आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी बहुत इस मामले में ब्रूटल है, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं
इसमें जो है गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऑप्शन पहला वन, फर्स्ट ऑप्शन वॉज भीतर करने का, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वॉज भीतर करने का, एंड सेकंड ऑप्शन वॉज चंबल। सो इट इज फाउंड इन चंबल घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भीतर करने का फेमस है, लेकिन भीतर करने का में आपको घड़ियाल भी मिलता है। ओके, आर यू क्लियर? वेरी गुड। अब इंटरनेशनल टाइगर डे पे ये क्या होता है? इंटरनेशनल टाइगर डे पर प्राइम मिनिस्टर ने एक तो क्या किया, अनाउंस किया था इंडिया के कमिटमेंट कि हम इंश्योर करेंगे टाइगर्स का सेफ हैबिटेट, दूसरा 14 टाइगर रिजर्व को कैट्स स्टैंडर्ड मिले हैं। कैट्स क्या है? कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स। ओके, कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स हैं। दीज आर द टूल्स वेयर 13 रेंज कंट्रीज ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं दैट हाउ द मैनेजमेंट इज डूइंग फॉर द बेटर टाइगर कंजर्वेशन, हाउ द टाइगर्स आर being conserved through the management, okay? Now this was launched in 2013, CATS standards. So CATS are the accreditation standard for the tiger conservation. ये IUCN का WTO का, WWF का किसका है? किसी का नहीं है, टाइगर रेंज कंट्रीज ने खुद से बनाया, ठीक है? Very good. क्योंकि बेटा M stripes पे क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी तो आ सकता है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है ना? कौन सा वाला टाइगर नेशनल एनिमल है? बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल, है ना? तो इसीलिए टाइगर पे क्वेश्चन तो आ ही सकता है। बेटा ये नए ऐड हुए हैं 14, मानस, काजीरंगा, ओरांग, असम में सतपुरा, कान्हा, पन्ना, मध्य प्रदेश में पेंच इन महाराष्ट्र, ठीक है? पक्के कहाँ है? पक्के, वेर इज पक्के? अरुणाचल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बांदीपुर कर्नाटका में, परम्बिकुलम केरला में, मधुमलाई अनामलाई इन तमिलनाडु। ओके, द टाइगर द रोर इज बैक, ठीक है? मतलब हमारे टाइगर्स पहले 14 से थे ना, 2967। टाइगर किसी भी को भी देखेगा तो बोला छोटी बच्ची हो गया, ठीक है? ठीक है, अब टाइगर बोल सकता है। वेरी गुड। चीता हम वापस ला रहे हैं कहां से? चीता हम कहां से वापस ला रहे हैं? पहला तो क्वेश्चन ये है, चीता हम कहां से वापस ला रहे हैं? अफ्रीका से। वेरी गुड बेटा, अफ्रीका में कोई कंट्री का नाम भी थोड़ा सा बता दो। अच्छा है आपने ये नहीं बोला अर्थ से, ठीक है, कॉन्टिनेंट पे लिमिट हो गए, ये अच्छी बात है। कंट्री बता दीजिए, ये क्वेश्चन आ रहा है, बताएंगे रीजन क्यों? नहीं पता, नामीबिया से, ठीक है, कहां लाके रखेंगे? इंडिया, इंडिया में कौन से रीजन में, कौन से नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग रखेंगे? नहीं पता, इसीलिए इंपॉर्टेंट। नामीबिया से ला रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, और इसको रखेंगे कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। दिस विल बी द फर्स्ट एवर चीता सेंचुरी अगर चीता वापस आता है, ठीक है? कौन सा चीता? अफ्रीकन चीता की एशियाटिक चीता, ठीक है? हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारा कोई भी चीता नहीं है, ठीक है, हमें चीता से मतलब है, लेकिन हम अगर नामीबिया से लाएंगे तो दैट विल बी एन अफ्रीकन चीता, ठीक है? तो चीता आर एक्सटिंक्ट, ट्रू और फॉल्स? चीता आर एक्सटिंक्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड। चीता आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ट्रू और फॉल्स? इंडियन चीता इज एक्सटिंक्ट, ट्रू, ठीक है? तो चीता आर नॉट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, चीता आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। एशियाटिक चीता ईरान में है, ठीक है,
एशियाटिक चीता इज इन ईरान, अफ्रीकन चीता अफ्रीका में भर भर के है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से ही इट इज एक्सटिंक्ट। ओके, अब चीता जो है आईयूसीएन स्टेटस, जो अफ्रीकन चीता वो तो वल्नरेबल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज कितने हैं 5,000-7,000, ठीक है, इतने तो टाइगर भी नहीं है, ठीक है, वो यार वल्नरेबल। एशियाटिक चीता एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, 40-85 बचे हैं, मतलब वो भी बहुत कम रह गए, वो भी ईरान, बाकी इनका साइज और छोटे बोले जो पेलर होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, वो सब नहीं आपको याद रहेगा, ठीक है, कि छोटे दिखते हैं, ये कमजोर से दिखते हैं, ये देखो ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ज्यादा फ्रूट्स खाए, इन्होंने कम फ्रूट्स खाए, ये सब लग रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज में नहीं है, ये याद रखना, एशिया अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल, ओके, एंड एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बेटा दो चीज बहुत याद रखिएगा, कहां से ला रहे हैं, नामीबिया से, कहां को ला रहे हैं, पुनो पालपुर, ओके, कहां से कहां तक ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइड्स, यस और नो, वेरी गुड। ये क्यों पता है क्वेश्चन आया, क्योंकि पुनो पालपुर पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, क्योंकि यही वो जगह है जहां गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लायन को भी शिफ्ट करना, यही वो जगह है, ठीक है, इसीलिए पुनो पालपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड। प्यूमा एक स्पीशी होती है कैट की, ये फाइंड दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द अमेरिकास, बस एक स्टडी फाउंड हुई है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्यूमा जो है दे आर लीस्ट कंसर्न है एज पर द IUCN, एंड जो क्या दिक्कत है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन प्यूमा कन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग, ठीक है, अमेरिका में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता प्यूमा, इंडिया में पूमा बस कपड़ों में मिलता है, मतलब ब्रांड की तरह मिलता है, और नहीं कहीं मिलता, ठीक है, कभी देखा किसी ने की अरे गली में पूमा आया था, नहीं, क्योंकि है ही नहीं, इट इज फाउंड इन अमेरिका। पूमा का और नाम क्या है, माउंटेन लायन बोलते हैं, कूगर भी बोलते हैं, कैटलपॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, अब दो स्पीशीज हैं जो लद्दाख में नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है, तो लद्दाख में क्या है, जो स्नो लेपर्ड है उसको अपना स्टेट कैपिटल की तरह ऑप्ट किया है, वो सॉरी स्टेट एनिमल की तरह ऑप्ट किया है, एंड जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है उसको अपनी स्टेट बर्ड की तरह उन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो स्नो लेपर्ड क्या है, लेपर्ड की स्पीशी है, दैट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड एंड नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, नाउ इट इज फाउंड इन वेरियस एरियाज, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक चीज नोटिस करिए, इट इज फाउंड ओनली इन एशिया, मेनली इन एशिया, ओके, नाउ ये कहाँ फाउंड होता है, एशिया में, तो इंडिया में जहाँ हिमालय होगा वहां वहां मिलेगा, ठीक है, स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में है, एंड स्नो लेपर्ड इज इन दी लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, तो इंडिया में इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, लेकिन एज पर IUCN इट इज वल्नरेबल। ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर ध्यान रखिए कि दैट इट इज वेरी मच रिवर्ड बाय मोनपास, अ कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड दे कंसिडर दिस क्रेन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ 6th दलाई लामा, ओके, दे कंसिडर देम एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ 6th दलाई लामा, ठीक है, अब ये कहां पाए जाते हैं, तिब्बतन प्लेटू में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स वन है, अपेंडिक्स वन सब जगह, ठीक है, तो ब्लैक नेट क्रेन क्वेश्चन आ सकता है, दैट विच रीजन डिक्लेयर्ड ब्लैक नेट क्रेन एज द बर्ड एंड द स्नो लेपर्ड एज द स्टेट एनिमल, तो आपको बताना चाहिए इट इज लद्दाख। अब इंडियन डेजर्ट कैट रिसेंटली मिली है पन्ना टाइगर रिजर्व, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम,
ओके दैट दे हैव फाउंड एन इंडियन डेजर्ट कैट. ठीक है, ये जनरली फाउंड होती थी थार रीजन में, जो थार डेजर्ट में, इट वॉज जनरली फाउंड एरिड और सेमी एरिड रीजन में फाउंड होते हैं. दिस कैट कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट वॉटर. ओके, ये जो कैट है इसको थ्रेट है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट फर. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका जो पोचिंग होती है फॉर इट्स फर, एंड इट गेट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज हैविंग अ प्रॉब्लम हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट देयर इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कैट विद द डोमेस्टिक कैट. लोग इसको डोमेस्टिकेट करके मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड स्पीशीज बन रही है, इसकी वजह से द जेनेटिक जीन्स में भी लॉस्ट. ओके, तो डेजर्ट कैट है, काम मिली है पक्के टाइगर रिजर्व में, तो नई चीज है, नई स्पीशी है, तो इसलिए आपको काम आएगी. अब वो सॉरी पक्के नहीं, पक्के तो अरुणाचल में है, पन्ना इन मध्य प्रदेश. ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में है. क्यों फेमस है पन्ना? डायमंड माइनिंग है. ठीक है, वहां पर डायमंड मिलता है. केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, वो भी इसी के अंदर है. ठीक है, इसको अवार्ड मिला है कंजर्वेशन रिसोर्ट टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स के अंडर आया है रिसेंटली. ओके, एंड यूनेस्को ने इसको डेजिग्नेट किया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व 2011. पन्ना इज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो. ठीक है, अब जो साइंटिस्ट उन्होंने पता लगा लिया ब्लैक टाइगर कैसे होता है, तो वाला एक वेरिएंट होता है, अलग स्पीशी नहीं है, बस उनमें जो है म्यूटेशन होती है. देयर इज अ सिंगल म्यूटेशन. कौन से वाले जीन की होती है याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई कहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया है. ओके, क्या रीजन हो सकते हैं ऑफ दिस ब्लैक कलर? पहला आइसोलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी द चेंजेस इन द जेनेटिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ओके, एंड ये जो है ओनली अदर ब्लैक टाइगर्स आर फाउंड इन द जू रांची जू एंड इन द चेन्नई जू. ठीक है, वैसे इन वाइल्ड दे आर नॉट. ठीक है, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. राजस्थान की स्टेट बर्ड है एंड इट इज वाज कन्फाइंड टू राजस्थान महाराष्ट्र एंड सम प्लेस सॉरी राजस्थान गुजरात सम प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश. लेकिन रिसेंटली राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि पिछले इस साल 2022 के जनवरी 1 से एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बची है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी. ठीक है, सो इट मे बी एक्सटिंक्ट समडे. तो बहुत हमारे लिए टेंशन की बात है. बट जो बर्ड है इसको थ्रेट क्यों होती है? व्हाई देयर इज अ थ्रेट? क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोक्यूशन. ये बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकते हैं और वहां पर पावर ट्रांसमिशन लाइन है. अगर आपने देखा वहां पर विंड मिल्स भी है तो ये बहुत ज्यादा थ्रेट कॉज करते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में हंटिंग भी होती है एंड देयर इज ऑल्सो द हैबिटेट लैप्स ड्यू टू द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. ठीक है, अब दिस इज वन ऑफ द heaviest birds, okay, heaviest flying birds, and it is a flagship grassland species, so it is important. Ab India mein project hai, there is a Great Indian Bustard project that is for protection of bustard in Rajasthan. Okay, it is also part of the integrated development of wildlife species, and there is also a habitat improvement conservation breeding approach by Ministry of Environment and Forest. ठीक है, तो great bustard को हम लोग conserve कर रहे हैं. ठीक है, और पढ़ोगे? बहुत हो गया आज के लिए, हो गया. कितनी स्पीशीज रह गई, रुको देखते हैं. ये स्पीशीज याद तो कुछ रहता नहीं, मेरे कितना ही पढ़ा दे याद आपको रहना नहीं. ठीक है, जो चीज याद नहीं रहती ना उसमें हमारा भी मन नहीं करता इतना दिमाग लगाने का. ठीक है, एक क्लास डंकी की स्पीशी मिल गई है. मिसलेनियस. अच्छा, और स्पीशीज है देखो, रेड सेंडर्स. चलो भाई, तो कुछ चीजें समझा दी ना पहले ही हमने. रेड सेंडर्स डाला हुआ है, हमने समझा ही दिया है. ठीक है, तो वन मोर क्लास एंड विल कंप्लीट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट क्लास में यहां से पहले कंटिन्यू करेंगे.
ठीक है, नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट और उसके बाद स्पीशीज करेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है पहले वो करेंगे। तो कल आप लोगों की इकोनॉमिक्स क्लास है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास करंट अफेयर्स स्टूडेंट जो है वो सॉरी क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स है उनकी इकोनॉमिक्स क्लास है। संडे को अगर नहीं हुई क्लास तो इकोनॉमिक्स होपफुली कल खत्म हो जाएगा, संडे को आप लोगों का टेस्ट तो हो गई, और मंडे ट्यूसडे आप लोगों की विशाल सर की क्लास है, ठीक है। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे करंट के हम लोग, ठीक है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम लोग करंट के लेंगे। अगर विशाल सर नहीं अवेलेबल होंगे तो करंट के हम मंडे ट्यूसडे में लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे विल बी हैविंग अ करंट क्लास। ओके, वन डे एनवायरमेंट विल बी ओवर, अगर अगले उसके अगले दिन से हम लोग विल बी स्टार्टिंग विद इकोलॉजी, वो सॉरी इकोनॉमिक्स। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट सर, टेस्ट कितने बजे से होगी, उसका शेड्यूल क्या है? बेटा टेस्ट जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे 9:30 पे यूपीएससी, क्योंकि 9:30 से 11:30 होता है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे शेयर कर देंगे। कोशिश आप लोग कीजिएगा 9:30 टू 11:30 ही दें, आंसर की हम लोग शाम को आपको शेयर करेंगे। विल ओनली शेयर द क्वेश्चन पेपर, आंसर की शाम को शेयर, ठीक है, इज इट क्लियर? सो विल कंटिन्यू, करंट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग ऑन वेंसडे एंड क्रैश कोर्स विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।